हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। दोस्त, आज आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेके हूँ जो कि एनिमेशन वीडियो है। सबसे पहले तो आप स्क्रीन पे वीडियो को देखें और उसके बाद आपको आगे प्रोसेस बताऊंगा। ये वीडियो देखिए, आप मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, मैं ओपन कर लिया। ये वीडियो आप स्क्रीन पे देखिए। देखिए, इनका एक 4M एनिमेशन चैनल है। इनका चैनल का नाम है 4M एनिमेशन, और ये इनका वीडियो जो अपलोड करते हैं, ये वीडियो एनिमेशन वीडियो जो अपलोड करते हैं, ये इनका वीडियो है। ठीक है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, पहले तो आप ये देख लें कि ये वीडियो जो है ना कम्बोडिया का है। कम्बोडिया से ये चैनल जो बनाते हैं, कम्बोडिया से चैनल बनाए हुए हैं। तो इस चैनल को क्या करना है आपको, पहले ये वीडियो देख लें। ठीक है, पॉपुलर देखते हैं 170 मिलियन, 118 मिलियन, 109 मिलियन। तो एक वीडियो हम ओपन करके पहले देख लेते हैं। ठीक है, ये स्क्रीन पर वीडियो देखिए, आप देखिए कैसे एनिमेशन वीडियो बनाते हैं। ये गौर से देखें आप। हाँ, तो दोस्तों आपको करना क्या है ना, ये वीडियो क्या है, आप जो देख रहे हैं वीडियो ना, आपको बस इसमें से एक कोई भी पॉपुलर वीडियो उठाना है, और पॉपुलर वीडियो उठा करके इसको डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद ये सेम वीडियो को आपको एडिटिंग करने के बाद ये आप अपने यूट्यूब चैनल पे ये अपलोड कर सकते हैं। इसमें कोई भी कॉपीराइट इशू नहीं है। बस बशर्ते कि जो आपको सिखाऊंगा कि एडिट कैसे करना है, वो आप गौर से देखेंगे और सीखेंगे एडिट कैसे करते हैं। उसके बाद आप अपने चैनल पे ये वीडियो को अपलोड कर सकते हैं। चैनल से आपको एक वीडियो को डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद इस वीडियो को क्या करना है, एडिटिंग करना है। एडिटिंग करने के बाद उसके बाद आप अपने चैनल पे इसको आसानी से अपलोड कर सकते हैं। ये विदेशी चैनल है, इस पर कोई भी कॉपीराइट नहीं आने वाला है। तो आपको एडिटिंग कैसे करना है, कैसे एडिटिंग करने के बाद आप अपने चैनल पर इस वीडियो को अपलोड करेंगे, ये चीज़ पूरी बताऊँगा। बस वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे और वीडियो को आखिर तक देखेंगे, ताकि आपको समझ में आए कि एडिटिंग करना कैसे है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको दोस्त करना ये है, इस वीडियो को एक डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड कर लेना है वीडियो को। डाउनलोड करने के बाद इसको एडिटिंग करना है। जो भी आप एडिटिंग एप्लीकेशन यूज करते हैं, जैसे कि कैपकट, VNF, काइन मास्टर, फिल्मोरा, जहाँ से भी आप चाहें एडिटिंग कर सकते हैं। तो चलिए, ठीक है, तो मैंने ये वीडियो को ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। ठीक है, तो सीधा मैं चलता हूँ कैपकट को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ये मैं अपना कैपकट को ओपन कर लिया। ठीक है, अब यहाँ से मेन जो प्रोसेस है ना एडिटिंग करने का, यहाँ से वो करना है। ओपन कर लिया, न्यू प्रोजेक्ट यहाँ पर शो कर रहा है ना, न्यू प्रोजेक्ट, यहाँ न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक कर लेंगे। ओके, न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करने के बाद आपने जो वीडियो को डाउनलोड कर रखा है उसको ऑन कर लेना यहाँ पे। ठीक है, ये मैंने वीडियो को ले लिया, ये मैंने वीडियो डाउनलोड कर रखा है। ठीक है, अब यहाँ से क्या करना है आपको, यहाँ वीडियो है। ठीक है, यहाँ से क्या करना है आपको, ऐड के ऑप्शन दे रहा है ना, इस ऐड पर क्लिक कर लेंगे। ओके, जैसे ही आप ऐड पर क्लिक करेंगे, आपका वीडियो जो है ना कैपकट में ऐसा इस तरह आपका फेस शो करेगा। ठीक है, तो आप एक बार ऑन करके वीडियो को चेक कर लेंगे। ठीक है, ऐसा ऑन करके आप चेक कर लेंगे वीडियो को। ओके, ये देखिए, अब मेन यहाँ पे जो ट्रिक है ना एडिटिंग करने का, एडिटिंग जितना अच्छा कीजिएगा ना आपको, उतना ही आपको प्रॉफिट होने वाला, बेनिफिट होने वाला। ठीक है, ये देखिए वीडियो देखिए, अब हम लोग एडिटिंग कैसे करेंगे। सबसे पहले तो ये जो लास्ट में कैपकट का ये सीन आ रहा है ना, इसको हम रिमूव कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्लिक कर लेंगे और यहाँ से डिलीट का ऑप्शन शो कर रहा है, डिलीट कर दिए। ओके, एंड देन नाउ आपको यहाँ पे आप स्टार्ट करना अपना काम, वर्क स्टार्ट करना है कि कैसे इसको एडिट करेंगे अच्छी तरह से। ठीक है, क्योंकि आपको दोस्त इसमें 70% आपको अपना वैल्यू देना, ऐड करना पड़ता है। 70% अपना वैल्यू ऐड करेंगे तो आपको कोई भी कॉपीराइट का इशू नहीं आने वाला। ओके, देन नाउ स्टार्ट करते हैं एडिटिंग करना। सबसे पहले क्या करेंगे हम, आप इसमें क्या करेंगे, फिल्टर कर लेंगे, फिल्टर लगा लेंगे। फिल्टर लगाने से ये फायदा होता है ना, एक तो ये वैल्यू आपका ऐड हो गया, आपने अपना फिल्टर लगाया, यूज़ किया, तो कोई सा भी फिल्टर आप ले लेंगे, ये ले लें, यहाँ ढेर सारा बहुत सारा फिल्टर मिलेगा आपको, ये ले लें फिल्टर, और भी फिल्टर ये चाहिए ये ले लें, और ये ग्रीन टेन चाहिए यानी कि डार्क में, ये ले लें, यहाँ से ओके कर लें। ये फिल्टर मैंने ले लिया। ठीक है, ये फिल्टर लग गया मेरा, एंड देन नाउ अब नेक्स्ट करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट आप ये कीजिएगा कि यहाँ पे आपको स्प्लिट का ऑप्शन दे रहा है। ठीक है, यहाँ स्प्लिट का ऑप्शन दे रहा है, यहाँ से स्प्लिट कर लेना है आपको, यहाँ पे आके स्प्लिट कर लेना है, ऐसे स्प्लिट कर लेना है। ठीक है, गौर से देखिएगा कि आपको अच्छे से सीख पाएँ कि एडिटिंग करते कैसे हैं, और कैसे एडिटिंग करके हम इस वीडियो को अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ एडिटिंग कर लिए, जहाँ जहाँ स्प्लिट मारते हैं स्प्लिट मार के, अब यहाँ क्या करेंगे, स्प्लिट जहाँ मारा ना मैंने, यहाँ पे स्पीड को थोड़ा कम और ज़्यादा कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल स्पीड है ना, तो इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा स्पीड को 1.1 कर लेते हैं, इसको सेव कर लिए। और लास्ट वाले में इसमें क्या कर लेंगे, इसको स्पीड को थोड़ा कम कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर स्पीड को थोड़ा कम कर देते हैं, 0.9 कर देते हैं। ये स्पीड मैंने 0.9 को कर दिया। ओके, एंड देन दूसरा काम हो गया।
अब थर्ड क्या करना है, आपको फिल्टर डाल दिया आपने, स्पीड कम कर दिया, अब इसमें क्या करना है, आप चाहें तो अपना खुद का इसमें म्यूजिक और सॉन्ग डाल सकते हैं या फिर खुद का वॉइस डालना है तो ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसमें खुद का वॉइस डालते हैं ठीक है, क्योंकि इसमें वॉइस नहीं है ठीक है। तो वॉइस में डालने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको आ जाना है इसमें ऑडियो में, ऑडियो में क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे देखिए नीचे में रिकॉर्ड का ऑप्शन दे रहा है, यहाँ पे साउंड रिकॉर्ड, साउंड इफेक्ट, अगर चाहें तो साउंड इफेक्ट भी डाल सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे आ गए हम, और साउंड इफेक्ट डालना है तो साउंड इफेक्ट पर क्लिक कर लेंगे, कोई सा भी साउंड इफेक्ट आपको डालना है यहाँ से डाल सकते हैं। देखिए जैसे कि ये साउंड इफेक्ट, ये देखिए यहाँ पर साउंड इफेक्ट आ गया ना, आप ऐसे साउंड इफेक्ट भी डाल सकते हैं जैसे चाहे वो कर सकते हैं ठीक है। अब नाउ क्या करते हैं, इनका जो साउंड है ना, ये जो वीडियो का साउंड है, इसको हम क्या करेंगे, ओरिजिनल साउंड को म्यूट कर देंगे। अब म्यूट करने के बाद इसमें अपना वॉइस ओवर करेंगे, यानी कि अपना साउंड इसमें ऐड करेंगे ठीक है। तो बैक चले जाएंगे, यहाँ पे रिकॉर्ड का ऑप्शन शो करेगा ना, यहाँ पे रिकॉर्ड पे क्लिक कर लेना ठीक है। और रिकॉर्ड पे क्लिक करके यहाँ पर आपको अपना वॉइस रिकॉर्ड करना है। तो गौर से वीडियो को देखेंगे कि रिकॉर्ड कैसे करते हैं, बस आपको एक डेमो दे रहा हूँ, आप अपने से जितना अच्छा हो उतना अपना अच्छा से साउंड रिकॉर्ड कीजिएगा, लेकिन मैं आपको एक डेमो दे बता रहा हूँ कि कैसे रिकॉर्ड करना है ठीक है। इस पर रिकॉर्ड पर क्लिक कर लेंगे ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं रिकॉर्डिंग। अरे यार ये तो आसमान में खड़ी हुई है, ये कहाँ जा रही, गिर जाएगी। अरे इसने इसको परी बना दिया, ये तो परी बन के उड़ गई। जा ये क्या पीछे से चल के आ रही है, अरे इसको क्या करेगी, अरे इसको पीछे पंख दे दिए, ये तो उल्टा हो गई। जा 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 ये उल्टा उड़ के जा रही है, देखिए 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 कितना अच्छा। तो देखिए दोस्त ऐसे करके आप इसमें साउंड को ऐड कर सकते हैं। उसके बाद अब साउंड ऐड हो गया है तो ओके कर लेते ठीक है, ओके कर लिए। और ये जो म्यूज़िक है थोड़ा तो कम कर लेते हैं क्योंकि ज़्यादा हो गया, एक्सेस हो गया, ये ऐसे म्यूज़िक को यहाँ तक कम कर लेते हैं ओके। ऐसे करके क्या हो गया कि मैंने म्यूजिक भी ऐड कर दिया और यहाँ पे अपना वॉइस भी ऐड कर दिया ओके। अब यहाँ पे कुछ चेक कर लेंगे। अरे यार ये तो आसमान जा रही है, हाँ कहाँ जा रही, गिर जाएगी कहाँ जा रही। अरे इसने इसको परी बना देखिए, दिया, ये तो परी बन के उड़ गई। ये मेरा ये मतलब पीछे चलती आ रही है, 60% काम हो गया। अरे इसको पीछे पंख दे दिए, तो उल्टा हो गई। इसमें कोई भी आपके कॉपी राइट इशू नहीं आने वाला, क्योंकि आपने इसमें अपना फेस वैल्यू ऐड किया, अपना सब कुछ ऐड किया और आपने इसमें अपना इफेक्ट डाला ठीक है। एंड देन आपको क्या करना है, कुछ यहाँ पे आपको लिखना भी है, जैसे कि यहाँ पे आपको टेक्स्ट कुछ कर लेना है। टेक्स्ट क्या करना है, अपना अपने चैनल का नाम दे देना है, या फिर आप चैनल का नाम देना नहीं चाहते तो यहाँ पे जो भी यहाँ पे चाहें कुछ टेक्स्ट कर सकते हैं, जो कि फुल लेंथ में करना है आपको। जैसे कि मेरे चैनल का नाम है, या फिर जो भी आप चाहें यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं अपना चैनल का नाम डालता हूँ, ये चैनल का नाम डाल दिया मैंने ओके, या ओके कर दिया क्लिक। अब यहाँ से क्या करना है आपको, ओके करने के बाद अगर चाहें तो फुल स्क्रीन पर चाहिए आपको तो फुल स्क्रीन पर ऐसा करके ये फुल स्क्रीन पर दे सकते हैं। देखिए ऐसा करके यहाँ पे मेरा नाम हमेशा यहाँ पे ऐड रहेगा ठीक है। इसको तो यहाँ खींच के रख लेते हैं ओके। एंड देन आपको इसको ओके हो गया। अब यहाँ से क्या करना है आपको, इस सेव का ऑप्शन दे रहा है ना, यहाँ पे सेव करने का ऑप्शन, यहाँ पे सेव का ऑप्शन क्लिक कर लेंगे, आपका वीडियो जो है ना ये आपको सेव हो गया। अब इस वीडियो को आप अपने यूट्यूब चैनल पर एज अ शॉर्ट अपलोड कर सकते हैं ओके। और इस तरह से आपका जो व्यू और सब्सक्राइब है वो गेन होने लगेगा धीरे धीरे ठीक है। अब यहाँ से हमको क्या करना है, इसको सेव कर लेना है। और सेव करने के बाद आप अपने यूट्यूब पर जाएंगे, यूट्यूब पर जाने के बाद वहाँ से आप अपने चैनल पे इसको आराम से अपलोड कर सकते हैं। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।